करेंगे वोल्टास ब्रेकों का। न्यू मॉडल है फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड में, जो मॉडल है फाउंटेन वॉश, ये इसके मॉडल दिए इस बुक में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मॉडल हैं फाउंटेन वॉश में, 6 मॉडल के लिए ये बुक है जो, या इस 6 मॉडल के लिए यही बुक काम करेगी, ऐसा समझो, इस 6 मॉडल के लिए यही बुक काम करेगी। अब ये मॉडल कौन सा है यहाँ पर फाउंटेन वॉश का, ये मॉडल है WTL 70 BP BGF। तो W हो गया वॉशिंग मशीन, TL हो गया टॉप लोड, ठीक। फिर क्या दे रहा है 70, तो मशीन ये 7 किलो की है। अगर ये मशीन 7.5 किलो की होती तो यहाँ 70 नहीं 75 हो जाता। अगर ये मशीन 6.2 किलो की 6.5 किलो की होती तो 6.2 या 65 हो जाता। फिर आ रहा है मॉडल नंबर में बी, बी का मतलब है इन्वर्टर मोटर। इसके बाद पी, पुश बटन। अगर ये टच बटन होता, टच पैनल होता, तो यहाँ पर की होता। फिर इसके बाद क्या आ रहा है बी, ये प्रोडक्ट का कलर क्या देखो भाई, ब्लैक कलर है ना, तो ब्लैक कलर हो गया। फिर इसके बाद हम करेंगे जी, ये ग्लास है ना, क्लियर है। अगर ये ब्लैक होता तो यहाँ भी बी होता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है ग्लास टॉप में, ग्लास टाइप में दिया हुआ है। फिर सभी में देखो जी जी जी, सब में ग्लास टॉप टाइप का है और वो भी क्लियर है। इसके बाद आता है एफ, एफ क्या हमारा स्पेशल जो फीचर है फाउंटेन वॉश का, ये प्रोडक्ट का नॉमिनेचर मॉडल। अब बात करते हैं इसके बारे में एच, एच के बारे में, ये हॉट एंड कूल अगर पानी का टैंक के लिए रहेगा इस मॉडल में, या कोई नया फीचर दिया हुआ है तो उस मॉडल के लिए रहेगा। नए फीचर्स जो होते हैं वो लास्ट में दिए रहते हैं, ठीक। लीजिए अभी बाकी चीज़ें आपको किताब से मिलेंगे, कस्टमर को जब भी बताइए तो पूरे प्रोडक्ट के बारे में बातें बताएंगे। इंस्टॉलेशन के बाद से हम शुरू करते हैं, इंस्टॉलेशन के बाद से, ठीक है। इंस्टॉलेशन आपने कहा कि आपको सिर्फ डेमो देना, इंस्टॉलेशन कर चुके हैं आप, तो ये आपको अब हेल्प करना है कस्टमर को भी, बाकी लोगों को भी। सप्लाई दीजिएगा तो सप्लाई ऑन दीजिए, कोई बात दिया देखो ये प्रोडक्ट ऑन हो गया ना, अभी दो रंग खोलेंगे ये लाइट चल गया, ठीक। दो रंग क्लोज करते हैं ये बंद हो गई, देखो भैया शुरू पड़ गई है, खड़े हो जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं प्रोग्राम के बारे में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये प्रोग्राम आप कस्टमर बताएंगे ना, कस्टमर को जब भी आप प्रोग्राम बताइएगा पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बताइए, यूजर मैनुअल के साथ बताइए। लेकिन जब आप यूजर मैनुअल देखते हैं और देखकर जो बताएंगे यूजर मैनुअल, तो कस्टमर समझ जाएगा कि आपको नॉलेज नहीं, तो नकल मार के नहीं बताएंगे। वो आपके पास वोल्टास ब्रेको वाली साइट से आपको डाउनलोड करना है, जैसे आपको हमने प्रोसेस बताया, गूगल पर जाएंगे voltasbreko.com सर्च करेंगे और फिर सपोर्ट में जाकर के उसकी बुक डाउनलोड करेंगे, बुक डाउनलोड करके पढ़िए आपको हेल्प करेगा। फिर प्रोडक्ट में आपने देखा यहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम दिया हुआ है, अपने आप ही सॉफ्ट हो धीरे धीरे बंद हो जाए, धूप में खराब नहीं होता है, धूप में मत रखो, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक प्रोग्राम पर बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक एक प्रोग्राम 22 घंटे ऑटो प्रोग्राम से ऑन बना, ऑटो प्रोग्राम में समय कितना दिया भैया 59 मिनट। अब ये मशीन 59 मिनट का काम करेगी, देखिए वॉश रेंस और तीनों की लाइट जल रही है। अब मशीन ऑटो में आप क्या करते हैं, देखिए इसी बुक थी ना इसके पास, इसमें बुक दीजिएगा, हाँ मैनुअल बुक में ऑटो के प्रोग्राम में क्या कहते हैं, कंपनी क्या कह रही है, हाँ ऑटो प्रोग्राम में कंपनी कह रही है पेज नंबर 24 पर, कंपनी कह रही है दिस प्रोग्राम सेलेक्ट द बेस्ट वाटर लेवल एंड वॉश प्रोग्राम ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लॉन्ड्री, कपड़ों के वजन के अनुसार, कपड़ों की मात्रा के अनुसार वो ऑटोमेटिकली पानी भी ले लेगा और ऑटोमेटिकली वॉश प्रोग्राम में वो भैया कंपनी बना के देती है, वो हिंदी में क्यों नहीं दे रही है, बात की हिंदी में, ठीक। तो कपड़े की मात्रा के अनुसार वो समय वगैरह चेंज हो सकते हैं, वाटर लेवल वगैरह चेंज हो सकता है, कौन सा कपड़ा डाल सकते हैं इसमें, हम हर प्रकार के कॉटन या ब्लेंड, कॉटन देख लीजिए कॉटन और ब्लेंड, ब्लेंड आइटम यानी एक से अधिक तरह के मिक्स जो कपड़े हैं वो
डाल कर रखते हैं। ब्लेंड का मतलब होता है एक से अधिक चीज़ इसमें अगर मिली हुई कपड़ों में तो उसे हम ब्लेंड कहते हैं, मिक्सरण। तो ये ऑटो पूरा में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कपड़े कितने डालेंगे हम, 7 किलो की कुछ है तो मैक्सिमम 7 किलो तक। अब इधर आ जाइए पेज नंबर 24 के बगल में, पेज नंबर 25। ये इस किताब का रेफरेंस हम आपको क्यों बता रहे हैं, यदि कस्टमर के यहाँ आप डेमो देने जाते हैं किताब तो कस्टमर ले लेगा, आप डेमो कैसे दोगे? क्या सभी को हर पूरा बारे में याद रहता है? नहीं, कुछ बताना रहता है बता कुछ देते हैं। तो कस्टमर के यहाँ जाने से पहले वो जॉब शीट पर मॉडल नंबर दिया हुआ है उसकी बुक डाउनलोड कर लीजिए, एक बार पढ़िए, एक बार दो बार तीन बार, अब वो याद हो गया। तो ऑटो प्रोग्राम में दे रहा है वाटर या मैक्सिमम लोड, यह है रेटेड लोड। रेटेड लोड का मतलब 7 किलो की मशीन है तो 7 किलो तक आप कपड़े धो सकते हैं, डाल सकते हैं। यानी जब मशीन में आप कपड़े भरिए तो कपड़े यहाँ पर कई चीज पकड़ चले हैं, कपड़े इसके नीचे ही रहें, ऐसा ना कि ऊपर आ गए, नहीं तो क्या होगा, वो प्ले करेगा जब तो कपड़े साइड में भी जा सकते हैं छोटे छोटे, इसलिए छोटे कपड़े को मशीन में हमेशा नीचे से रखना चाहिए। दूसरा फिर इसमें दिया है बाई डिफॉल्ट समय दे रहा है, कौन सा कपड़े कितने डाले हैं रेटेड 7 किलो तक। फिर दे रहा है वाटर लेवल, ये 1 से 10 लेवल तक हम चेंज कर सकते हैं। ज़रा वाटर लेवल के बटन पर आते हैं, हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं, देखिए जरा चेंज हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेंज हो रहा है ना। इस तरीके से हमें कपड़े को हम वाटर लेवल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर भी यही दिया हो तो कस्टमर को भी हम ये बताएंगे। अब मुझे 7 किलो कपड़े नहीं धुलने हैं तो क्या मैं ज़बरदस्ती 7 किलो कपड़े डालूंगा? तो मैं ज़बरदस्ती पानी ज़्यादा लूँगा क्या? तो आप इसमें मिनिमम 1 किलो भी कपड़े धुलना चाहो तो तक के लिए 1 किलो धुलना चाहो तो पानी को उस समय हम कम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। तो समय चेंज हुआ ना, तो ये आपका ऑटो प्रोग्राम में आप कपड़े यदि कम रखते हैं या ज़्यादा करते हैं तो ऐसा क्षमता वाटर लेवल इंप्रूवमेंट चेंज। इसके बाद आते हैं वॉश प्रोसेस मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते हैं क्या कह रहा है। 45 मिनट है, जरा वॉश पर गए, मशीन 11 मिनट तक वॉश करेगी, 12 मिनट तक, 13 मिनट तक, 14 मिनट, ये आपका प्रोग्राम वॉश का आप इसमें 20 मिनट तक। इसके बाद रिंस पर आ जाएंगे, जरा देख लीजिए रिंस, अभी देखो समय चेंज हो गया ना, 3 बार 4 बार यानी रिंस करना है नहीं करना है, कितना समय आप बढ़ा कितनी बार बढ़ा सकते हो रिंसिंग को, तो कि मैं वो पानी एक ढंगता रहेगा। फिर इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद वॉश हो गया, रिंस हो गया, अब आ गया स्पिनिंग पे, यानी कपड़े को सुखाने के लिए। अभी 46 मिनट हो गया ना, हमने समय बढ़ा दिया यहाँ से, फिर हम आ जाते हैं स्पिन पर, क्या दिखा है स्पिनिंग स्पिन ड्राई मिनट, 6 मिनट एड हो गया, 6 मिनट के बाद 9 मिनट, 30 मिनट लाइट एक्स्ट्रा ये मिनट चल गई, फिर 30 के बाद 60 मिनट, यानी एक्स्ट्रा आप स्पिनिंग करना शुरू कर दिए। ये देखो 60 हो गया, 90 हो गया, मानसून मोड एक्टिवेट हो गया, स्पिनिंग एक्स्ट्रा होने लगी, कम कर देते हैं इसको, ठीक है। तो जो समय बढ़ गया था वो समय अपने आप फिर से कम हो जाएगा, 43 मिनट कौन सा कहाँ दिखा है, अभी कहाँ बता रहे हैं, अभी तो मौसम है ना, अभी आगे चलते फिर बता रहे अब 3 मिनट 3 से 9 मिनट इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सो प्री वॉश जेट वॉश ईको रीयूज फिर फेवरेट हैंग साइलेंट हॉट चिल, ये एडिशनल फंक्शन है वो इस ऑटो प्रोग्राम में ऐड किए जाते हैं। सोकिंग, आइए बटन एक प्रेस करते हैं एडवांस वॉश का, एक बार प्रेस किया जेट वॉश हो गया, पानी आएगा यहाँ से, जेट वॉश में यहाँ से आएगा। सोकिंग ऐड किया, सोकिंग में क्या होता है बाल्टी में आप पानी डाल के रखते हैं खुला करके, क्या ताकत लग जाती है, बिजली खर्च होता है नहीं ना, तो सोकिंग कर दिया आपने, कपड़े क्या हो गए खुले उसमें डूबे रहेंगे डिटर्जेंट में, बिजली उस समय चलेगा नहीं, क्योंकि जो पसीना का मूवमेंट है कम मूवमेंट हो जाते हैं तो वो कम हो जाते हैं, एक दो बार घूमते रुक जाएगा, पड़ा रहेगा फिर थोड़ी देर फिर घूमेगा फिर पड़ा रह जाएगा, तो ये हो जाएगा सोकिंग।
फिर जब सोकिंग जैक खत्म हो जाएगा, सोकिंग जैक खत्म हो जाएगी, फिर वो वॉश पड़ जाएगा, रिंस पड़ जाएगा, ठीक। सोकिंग लियर हो गया, फिर आते हैं प्री वॉश। प्री वॉश आ गया हैवी साइलेंट नहीं है, नहीं है देखिए दिख रहा है क्या कहीं सा मुझे ना दिख रहा हूँ नहीं तो नहीं दिया ना कोई बात नहीं। विवास में देखो दिख रहा है क्या इधर नहीं दिखा नहीं। इको अच्छा फेवरेट है साइलेंट मोड हो गया। साइलेंट में क्या बताते हैं वाटर लेवल हो गया, एडवांस वॉक में स्लूप है, जेट वॉक है, टाइम डिले का बटन है, बॉस है, रेंज हो गया, स्टेज हो गया, प्ले नहीं ना नहीं। यानी इस फीचर में प्री वॉश नहीं है इस मशीन में, यदि बाकी किसी में तो होगा ना, देखते हैं अगर आपको दिख जाएगा तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। प्री वॉश सेलेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते दिख गया। फिर जेट वॉश, प्री वॉश में क्या होता है कि जिस मशीन में यहाँ पर तीन चैम्बर बने होते हैं, तीन, एक प्री वॉश का पानी के लिए आएगा वॉल, दो वॉल लगे होते हैं ना अंदर इनलेट वॉल, तो एक वॉल होता है मेन वॉश के लिए पानी लाता है, एक होता है प्री वॉश के लिए लाता है। तो जब प्री वॉश के लिए लाएगा तो प्री वॉश वाले चैम्बर में जाए, पानी उसमें गिरेगा। और सर इसका पैनल ले लो, इसका इसका मेरे बाकी दोस्तों का मत, इसका फोटो चाहिए आपको, लड़का लोग इसको देख के समझेगा, आपको भी समझेगा हमारी फ़ोटो लेके क्या करेंगे, इनकी फ़ोटो लेके क्या। कृपया इसकी वीडियो लीजिए, यही वीडियो आपको काम आएगी। अभी आपके पास बटन आ रहा है जेट वॉश, देखते हैं जरा सा जेट वॉश क्या है। एडवांस में आ गए, एडवांस वॉश में जेट वॉश हटा दिया, समय चेंज हट जाओ, समय चेंज हो गया, जेट वॉश में गए। जेट वॉश क्या है, पानी यहाँ से ये बटन दे दिया ना, तो एक इधर से आ रहा है, जब आप प्रेस कर देंगे इधर से आ रहा है, जेट वॉश हो गया। जेट का प्रेशर है ना, पानी यहाँ से आएगा प्रेशर, जी सर, तो जेट वॉश हो गया। इसके बाद जब आप प्रेस कर देंगे तो उधर से ना के इधर से आएगा, या प्रेस कर देंगे इधर से ना के इधर से आ जाएगा। तो बटन कहाँ है, बटन है, बटन है। अच्छा जी बंद कर दिए क्या भैया, बटन और दूसरे प्लग में लगा तो तीसरे बार चेंज कीजिए। गरम हो गया, अरे अभी तो स्टार्टिंग ही नहीं हुआ। अरे भैया आपने लगाया जेट वॉश, जेट वॉश के बाद आगे चलते हैं इको मोड पे। अब इको मोड क्या है, इको यहाँ पर नहीं है, इधर आ जाइए, फंक्शन पर गए, इको का बटन प्रेस किया, बाय डिफ़ॉल्ट पानी का लेवल देखिए यहाँ दिख गया, समय चेंज हो गया, इको हटाते हैं, समय नहीं चेंज हुआ, ओके। इको मोड वाटर यूज इको, मतलब इको में क्या है, इको में हम लोग किसी न किसी चीज़ की बचत की बात करते हैं। अब इको में यहाँ पानी बचा रहा है या बिजली, देखते हैं कंपनी क्या बताती है हमें। ले लो सेल्फी, ले लो आराम से, ले लो सेल्फी। इको बताना हमने इको हटा दिया, समय 59 मिनट है जी। लेकिन जैसे आप इको बटन को प्रेस करते हैं इको के लिए, इस फंक्शन बटन को, इको में पानी का लेवल दिखा रहा है ऑटोमेटिक, 1, 2, 3, 4, 5वें लेवल था, यानी पानी की खपत इसमें कम होगी, तो कपड़ा भी कम डलेगा, तो कपड़ा जब कम डलेगा, पानी खपत कम हो गई, तो हमारा जो है पानी बर्बाद नहीं होगा। जब कपड़ा कम है, समय तो यहाँ दिख रहा है 59 मिनट तक, 59 मिनट में वो कपड़े को क्लीन कर देगा, लेकिन पानी की बचत हो गई, ये हमारा इको में सेविंग की बात हो गई। इसके बाद इसी बटन में, चलिए इसी बटन में है वाटर रीयूज, पानी का दोबारा से इस्तेमाल, कौन से पानी का, कपड़े धुल दिए खंगाल के बह गया, फिर पानी आया एक बार, कपड़े को खंगाला, सर्फ वाला पानी साफ से बह गया,
दो बार पानी आता ना रिंसिंग के लिए, तो जो सेकंड रिंस का पानी है वो ऐसा रीयूज करने पर, फंक्शन बटन को आप प्रेस करते हैं, रीयूज अगर लिख करके आता है तो वो फंक्शन, वो रिंस का सेकंड वाटर वो ड्रेन नहीं होगा। अब उसी कपड़े को आप निकालिए, हाथ से निचोड़िए, दूसरे जगह रखिए और उस पानी में डिटर्जेंट डाल करके कुछ धुलना हो या उस पानी का जो भी आपका पर्पज हो उसको यूज करिए, तो उसी वाटर का रीयूज होगा। ठीक, इसके बाद ये वाटरेबल आप यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, इस एडवांस वाश, सोकिंग और जेट वाश आपको समझ में आ गया। फिर इसी में आपके पास बटन आ रहा है टाइम डिले, वो आगे हम इस चेक करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे प्रोग्राम में। ये तो एडिशनल फीचर्स की बात हो गई, इस प्रोग्राम में देखते हैं फाउंटेन वॉश, क्विक पर आते हैं। क्विक क्या है, समय दिया 15 मिनट, वाटर लेवल कम, दो लेवल पे आ गया ना, तो कपड़े ज़्यादा डालेंगे कम, तो दो लेवल तक है ना। अब जरा हम देखते हैं, हमारी कंपनी कहती है कि जब वाटर लेवल कम हो या क्विक में आप डाल रहे हो प्रोग्राम में, तो कपड़े कितने डालेंगे, कितने किलो। यहाँ देखिए क्विक में 2 किलो कपड़े हैं, मैक्सिमम लोड 2 किलो। अब किसी भाई साहब ने क्या किया, वाटर लेवल बढ़ाना शुरू किया, समय बढ़ गया था ना, बढ़ते 21 मिनट हो गया, तो क्या अभी भी 2 किलो कपड़े डालेंगे क्या हम, नहीं ना, आप कपड़े ज़्यादा हो गए। तो इसलिए आप जब लेवल बढ़ाएंगे पानी का तो कपड़े भी बढ़ेंगे, समय भी बढ़ेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्राम दिया इसका 15 मिनट का, वाटर लेवल क्या देखो, एक पर है तो भी 15 मिनट, दो पर है तो भी 15 मिनट। अब क्विक में 2 किलो कपड़े डाल करके आप वॉश कर सकते हैं। कौन से कपड़े, जो एसी ड्रिल, एसी से लगाते समय ड्रिल करते समय पूरा लाल लाल हो गया, वो कपड़े क्या, जो कपड़े हमारे सपोज करो हाँ गंदे नहीं हैं, गंदे नहीं हैं, और हमें जैसे मान लो मैं ऑफिस में हूँ, आपके पास बैठा हुआ हूँ, आपके साथ एसी में बैठा हुआ हूँ, और मुझे इसी कपड़े को धुल करके फिर पहनना है, कम गंदा हुआ ना। अब हम फील्ड में जाकर पल्लेदारी करेंगे तो कपड़ा हमारा ज़्यादा गंदा होगा, तो क्या वो उसमें धुलेगा नहीं। तो कम गंदे कपड़े या कबर्ड में रखे हुए कपड़े, जो वो कपूर की गोली की स्मेल से आने लगती है, तो उस स्मेल को दूर करना है। पसीने की सिर्फ बदबू है, कपड़ा साफ है, कम गंदा है ना, इसमें साफ हो जाएगा। ठीक, क्विक क्लियर हो गया। क्विक के बाद आते हैं कॉटन, कॉटन और डेली पर, कॉटन या डेली। अब यहाँ देखते हैं हमारी कंपनी क्या कहती है, कॉटन के लिए या डेली के लिए। रेटेड लोड, कितना कपड़ा आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हो, 7 किलो की क्षमता है, 7 किलो तक कपड़े हम डाल सकते हैं। अब इसके बाद समय हो गया यहाँ पर 58 मिनट, और कम इसमें दे रहा है डिफ़ॉल्ट वाटर लेवल 8 है, वाटर लेवल 8 पर आ गया। कितना हम एडजस्ट कर सकते हैं, 1 से 10 तक कर सकते हैं, ये लीजिए 9 10, समय चेंज हो गया, कम किया समय चेंज हो गया, तो कपड़े भी कम डालेंगे फिर जी। तो जितना आप वाटर लेवल सेलेक्ट कर रहे हैं कपड़ों के हिसाब आप से इसको सेट कर सकते, चेंज कर सकते हैं। फिर दे रहा है वॉश मिनट, 15 मिनट का प्रोग्राम होगा वॉश का, 2 बार रिंस करेगा, 6 मिनट स्पिन करेगा। यदि इसको आप चेंज करना चाहें तो 0 से 20 मिनट तक के लिए वॉश पर ले जा सकते हैं, 4 बार रिंस पर ले जा सकते हैं, और 0 से 9 मिनट तक के लिए स्पिनिंग मोड पर ले जा सकते हैं। इस बटन के माध्यम से वॉश 12 मिनट, 13 मिनट, रिंस 2 बार, 3 बार, 4 बार, स्पिन 6 बार, 9 बार, तो आप चेंज कर सकते हैं। आप दबाते जाओ 0 आ जाएगा, तो समझ लो वो नहीं होगा फिर, बढ़ गया हाँ बिल्कुल 30 60 90 तक जाएगा। ठीक, 0 हो गया, अब वो स्पिन नहीं करेगा, ठीक है, अब वो 3 मिनट तक स्पिन करेगा, 6 मिनट तक स्पिन करेगा। अब समय क्या है, एक लेवल वाटर लेवल है, अब यहाँ पर आपने समय चेंज किया, 1 घंटा 10 मिनट कपड़े धुलेगा। अब एक जोड़ी कपड़ा डाला होगा आपने या एक जोड़ी से कम कपड़ा है, तो कम पानी है, समय इतना ज़्यादा हो गया, तो गलत सिलेक्शन है ना आपका, सिलेक्शन गलत है ना, तो ये चीज़ गलती भी मत करिएगा और नहीं कस्टमर को ऐसा बताइएगा। हमें क्या करना है यहाँ पर, क्या क्या हम सेलेक्ट कर सकते हैं कॉटन डेली में, सोकिंग, प्री वॉश, देखो यहाँ पर प्री वॉश पे तीर बना, वो निशान बना ना, स्टार स्टार, जेट वॉश पे स्टार बना, तो जिन पे स्टार बने हुए हैं वो उस मॉडल में अगर फीचर है तो वो काम करेगा, उस मॉडल में फीचर नहीं दिए हैं तो काम नहीं करेगा। डिफरेंट मॉडल हैव डिफरेंट चॉइस। कपड़े कितने पे डालना, कॉटन सूती कपड़ा खाली। समय देखिए 58 मिनट तक है,
30-60-90 डिग्री तक का टेम्परेचर में बाय डिफ़ॉल्ट मानसून, ये मानसून के लिए है, 30 मिनट तक मानसून कर सकते हो, 60 मिनट तक के लिए कर सकते हो, 90 मिनट तक के लिए कर सकते हो। आपने पूछा मेरे से कॉटन डेली में क्या धो सकते हैं, कंपनी वाली कहती है दिस प्रोग्राम इज सूटेबल फॉर वॉशिंग लाइट लोड ऑफ लॉन्ड्री लाइटली सॉइल्ड, जो हमारे कपड़े कॉटन के कपड़े हैं जो कम समय में आपको धुलने हैं, कम गंदे धुलने हैं, ऐसे कपड़े हम कॉटन डेली में धुल सकते हैं। ठीक, गंदे हैं लिखा, बिल्कुल साफ हमारी कंपनी लिख दे रही है, वॉशिंग अ फुल लोड, फुल लोड पर डालिए फॉर नॉर्मल सॉइल्ड, जो नॉर्मल औसत दर्जे के गंदे हैं, हैवी सॉइल्ड नहीं, नॉर्मल सॉइल्ड, ड्यूरेबल कॉटन सॉइल्ड, ड्यूरेबल कॉटन एंड डेली क्लॉथ, डेली रूटीन के पहने जाने वाले कपड़े जो नॉर्मल गंदे हों, हैवी गंदे नहीं, वो आप इसमें धुल सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, प्रोग्राम में आते हैं नेक्स्ट, वुलन पर आते हैं। वुलन में क्या है, कंपनी कह रही वुलन में आपको 7 किलो तक का लोड देकर धुल सकते हो, 7 किलो तक का, 7 किलो तक का मतलब क्या, 7 स्वेटर, फिर 7 किलो तक भीगा हुआ स्वेटर, 7 किलो तक भीगा हुआ स्वेटर, यानी दो स्वेटर, एक मेंस का या वुमेन्स का स्वेटर। अब वुमेन्स में स्वेटर आता है जो कमर तक तो नहीं है, घुटने तक होता है, कार्डिगन, कार्डिगन की कैटेगरी में लॉन्ग में, वो नहीं, वो एक में ही पर्याप्त है। ठीक, तो वुलन पर हम आते हैं, वुलन कंपनी कह रही है कैसे करने के लिए यूज, वुलन में बाय डिफॉल्ट वाटर लेवल आ रहा है 6, 1 से 10 तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 1, 7, 8, 9, 10 फिर, तो अगर वाटर लेवल कम किया तो कपड़े भी कम रहेंगे स्वेटर, तो आप भी उसको ध्यान में रखिएगा। समय वॉशिंग का दे दिया, रिंचिंग का, स्पिनिंग का दे दिया, अब क्या क्या ऐड कर सकते हैं, प्री वॉश इसमें नहीं है, जेट वॉश आ गया, केवल जेट वॉश लग रहा, सोकिंग नहीं लग रहा, ठीक है, जेट वॉश। तो ये जो गोले बने हुए हैं, ये गोले बता रहे हैं कि कौन कौन सा एडिशनल प्रोग्राम ऐड हो सकता है। ठीक, इसके बाद वुलन के बाद हम आते हैं, अच्छा और इसमें देख लेते क्या क्या कर रहा है, जेट वॉश के बाद इको इसमें नहीं है लग रहेगा, रीयूज, देखिए रीयूज लगता है क्या, रीयूज लग गया, इको लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, इको नहीं लगेगा। फिर आते हैं वुलन में और बाकी चीज़ें, फेवरेट, फेवरेट भी लग सकता है, देखते हैं फेवरेट क्या है, आइए इस बटन को हम दबा के रखते हैं, देखिए कुछ हो रहा है क्या, नहीं, इसको 3 सेकंड तक दबा के रखते हैं, फेवरेट की लाइट जल गई, हमने वाटर लेवल कम कर दिया अपने ज़रूरत के अनुसार, हमें 6 नहीं करना है, हमसे क्या कर दे रहे, 5 कर देते हैं, लो भैया 5 हो गया, जेट वॉश सेलेक्ट कर दिया हमने, चलो हम जेट वॉश हटा देते हैं, नहीं हम जेट वॉश लगा देते हैं, ये लो जेट वॉश लगा दिया, अब क्या करेंगे हम, हमने वॉश का टाइम इसका 10 मिनट ऐड कर दिया, रिंस का टाइम हम इसमें 52 मिनट है ना, देखें ज़रा 11 हो गया, 52 मिनट था, अभी 53 मिनट हो गया, फिर रिंस का टाइम अभी कितनी बार है पता नहीं, 2 बार है, हम इसको 3 बार कर दिए, रिंसिंग टाइम 3 बार रिंस करेगा, देखते हैं समय बढ़ गया ना 53 मिनट से, स्पिन ड्राई, ये स्पिन की लाइट है, 6 मिनट स्पिन करेगा। ठीक, हम देखो मेरे से गलती से ये बटन ना दबकर ये दब गया, तो एक बार हम ना इसी प्रोग्राम को दोबारा रहते हैं फेवरेट वाले पर, फेवरेट पर हम फिर जाते हैं, वुलन में थे हम, वुलन में थे, हमने फेवरेट का बटन चूज़ किया, 3 सेकंड तक इसको दबा के रखेंगे, बटन कौन सा है, मोड सेव फेवरेट 3 सेकंड, फेवरेट के बटन पर गए, वाटर लेवल कितना है 5 है, जेट वॉश सेलेक्ट था है ना, अब जो मैंने सेलेक्ट किया था जेट वॉश 5 लेवल तक सेलेक्ट किया था, वॉश का टाइम कितना था जो सेट किया 1 घंटा 6 मिनट आ गया था ना, तो मैं रिंस स्पिन तो नहीं ऐड कर पाया जो मेरी इच्छा थी, तो 1 घंटा 6 मिनट वहाँ था, अब देखिए मशीन को मैंने प्ले कर दिया था तो 1 घंटा 6 मिनट पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन सेट हो गई, हम इसको बंद करते हैं, ऑफ किए, ऑन किए, अब हमको वुलन धुलना है,
हम वूलन पर आ गए बाय डिफॉल्ट, ठीक। लेकिन मुझे मैं पेन चेंज कर दिया प्रोग्राम, मैं जा रहा हूँ मोड बटन को प्रेस करके फेवरेट पर, डायरेक्ट हम वहाँ आ गए। हमने उलन पर सेलेक्ट किया था ना, तो मेरा उलन का प्रोग्राम आ गया, इस लेबल जेट वॉस समय बढ़े हुए चेंज के साथ ये आ गया। हमने क्या इन सब प्रोग्राम को दोबारा दबाया क्या? नहीं ना, तो ये फेवरेट पसंदीदा। अब इसको हटाना भी है, हट गया फेवरेट, हट गया ना। अब हमने इसको चेंज किया, चेंज भी होगा। अब देखते हैं वॉस पर गए, देखो पहले वाली सेटिंग पर आ गया ना, 6 लेबल 48 मिनट चेंज, यानी हटाने के लिए इसको बटन को दोबारा दबा दीजिए तो 3 सेकंड तक, तो फेवरेट जो सेव हुआ था वो हट गया। फिर से देखो हम इसको बंद करते हैं, फिर से ऑन करते हैं और फेवरेट वाले बटन को प्रेस करते हैं, देखते हैं अब क्या होता है, क्या लगा या नहीं लगा। लगा हुआ था ना, लग गया। मुझे इसको हटाना है, फिर मैंने इसको प्रेस कर दिया 3 सेकंड तक के लिए, तो ये सर ये प्रोग्राम में ही पूरा सेलेक्ट है, सेव हो गया, फेवरेट में जाकर सेव हो गया। अब इसको हट जाएगा, अभी हम यहाँ चेंज करेंगे, ये चेंज हो रहा है, उसको डिलीट करना, वूलन पे आ गए देखो चेंज हो गया, उसको डिलीट करना है इसको फेवरेट को, जो दोबारा नहीं आए करके, दोबारा ना आए करके, ऐसा देखते हैं कैसे होगा। ये फिर आ गया, अब इसका कैंसिल का मुझे जानना है ना, कैंसिल कैसे होगा देखते हैं, कंपनी से बता रही क्या, मुझे तो इसका आइडिया नहीं है। खाली चेंज हो सकते हैं, देखते हैं एग्जैक्ट क्योंकि जो नहीं है केवल वो सेव होगा, वो वैसा कैंसिल नहीं होगा पूरा। हेलो, टू यूज अ फेवरेट मोड आफ्टर पावर ऑन प्रेस द मोड की फॉर 3 सेकंड कंटिन्यूसली, द फेवरेट मोड विल बी ऑन, सेट योर फेवरेट वॉश कंडीशन देन प्रेस प्ले पॉज टू स्टार्ट। ये कैंसिल नहीं होगा, लग गया तो लग गया उस दरमियान, हाँ उस दरमियान जैसे ही प्रोग्राम है, अगर आपको इसको अभी कैंसिल करना है तो आप इसको बटन को दोबारा दबा दीजिए, तो जैसे मैंने किया था वो हट जाएगा, तो ये फेवरेट से हट गया। तो अब आप जब भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, चेंज हो गया ना। अब मुझे दूसरा फेवरेट लगाना है, इसको हमने प्रेस किया फेवरेट पर आया, हम यहाँ से चेंज किए, 6 लेवल हो गया। अब जेट वॉस हम हटा देते हैं, 1 घंटा 1 मिनट है और प्ले कर दिया, ठीक ये सेट हो गया। अब क्या हो गया, ये सेव हो गया, अभी सेव नहीं हुआ था भाई, 1 घंटा 6 मिनट ही आया। देखते हैं एक बार, ऑटो पे हैं, 3 सेकंड प्रेस किया, सेव हो गया, देखिए 1 घंटा राइट, एक बार प्रेस किया फेवरेट वाला बटन 3 सेकंड के लिए, उसी 6 लेवल पर जेट वॉस हटा करके 1 घंटा 1 मिनट अब ये दिखाएगा, अब ये वाला आएगा, ये दिखाएगा, वो नहीं दिखाएगा, जो सेव करेगा वही ना दिखाएगा भाई। तो हमने जो सेव किया, यानी क्या हो गया इसका मतलब कि एक जो सेव हुआ उसके पहले का सेव वाला हट गया, ठीक। तो ये हो गया एडिशनल फंक्शंस की बात। बेडिंग पर आते हैं, बेडिंग क्या चीज़ है, बेडिंग में नहीं आया कोई नहीं, बेडिंग पर आते हैं, बेडिंग क्या चीज़ है देखते हैं, चादर, हाँ बोलिए चादर, पिलो कवर, बेड में जो पिलो कवर, रेटेड लोड 7 किलो तक आप इसे धुल सकते हो, पोर्टेबल बाय डिफॉल्ट 10 पर आ गया, 1 बार से 10 बार तक आप इसे चेंज कर सकते हो लेवल अपनी आवश्यकता के अनुसार, कपड़ों के लोड के अनुसार। फिर समय आपने यहाँ तीनों में देख ही लिया है, कितनी बार कितने मिनट वो वॉश करेगा, कितनी बार वो रिंस करेगा, कितनी मिनट वो स्पिन करेगा, वो आप यहाँ पर से भी कर सकते हैं, चादर बेडशीट डाल सकते हैं। हाँ, इसके बाद सोकिंग ऐड कर सकते हैं क्या, देखते हैं। सोकिंग जेट वॉश ऐड हो गया, सोकिंग ऐड हो गया, दोनों ऐड हो गया, ओनली सोकिंग ऐड हो गया, सोकिंग भी हट गया, जेट वॉश भी हट गया। तो आप इस बटन के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। फिर क्या आ रहा है, प्री वॉश इसमें नहीं है, जेट वॉश हो गया, लगा लिया था, री यूज़ देखते हैं, वाटर री यूज़ कहाँ गया, फंक्शन बटन को प्रेस किया, री यूज़ में चले गए, इसी बटन को दोबारा प्रेस करते हैं तो ये हट गया री यूज़, देखें इको जा रहा है क्या, इको नहीं जा रहा, यानी इसमें इको का प्रोग्राम नहीं लेगा, कहीं ज़्यादा लेगा। फिर आते हैं अगले पे, फेवरेट, यहाँ पर भी आप फेवरेट का फंक्शन सेव कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट,
बैटिंग की बात हो गई, यानी इधर के प्रोग्राम हो गए। अब जरा आगे चलते हैं। फाउंटेन वॉश, फाउंटेन वॉश क्या है? फाउंटेन वॉश में कपड़े आपको कितने डालने हैं? बाई डिफॉल्ट वाटरेबल चार, कपड़े कितने? दो किलो। दो किलो डालना है इसमें जी। फाउंटेन वॉश कपड़े कितने? दो किलो। वाटर लेवल बाय डिफॉल्ट चार। आप इसको एक से छः तक चेंज कर सकते हैं। ये एक हो गया मैक्सिमम छः तक। अब आप ज़्यादा कपड़े डाल दोगे तो आपको फुहारा वाला जो सीन बता रहे थे फाउंटेन वॉश का, तो ये नहीं हो पाएगा। क्या किस टाइप का कपड़े डालना है उसमें? कोई भी कपड़े डालो, वैसे ही कपड़ा डालो। और क्या हम फाउंटेन वॉश में कॉटन कपड़े देखे? फाउंटेन वॉश में कुछ मतलब जल्दी से धुलता होगा क्या? 53 मिनट का समय, 53 मिनट तो लगेंगे। कपड़े कम हो गए, वो एक प्रोग्राम ऐड किया है फाउंटेन का कि कपड़े जो नीचे से ऊपर तक आएंगे, साइड से भी पानी फेंकेगा, इनसे भी पानी फेंकेगा, तो क्या वो कपड़े को ऊपर नीचे आराम से करता है। वॉश क्वालिटी पता जाएगा। प्रोग्राम इज सुटेबल फॉर वॉशिंग अ लाइट लोड ऑफ नॉर्मली सॉइल्ड कॉटन क्लॉथ। कपड़े के कॉटन के कपड़े कौन से? नॉर्मली सॉइल्ड, नॉर्मल गंदे, हल्के वजन वाले, लाइट वेट थ्रू इनोवेटिव इम्पलर। इसमें जो इम्पलर्स लगे हुए हैं ये जो है ना, ये क्या करते हैं? ये पानी को घुमाने का इस तरीके का काम करते हैं। हल्के गंदे और मुलायम कपड़े। हाँ, प्रोड्यूस फाउंटेन फ्लो इफेक्ट फॉर अ बेटर पेनिट्रेशन ऑफ टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल केयर। इस पर जब कपड़े जब ये घूमेगा पल्सेटर, तो कपड़े कभी दाहिने कभी बाएं घूम रहे हैं, साथ ही साथ जो पानी का जो ये इसका जो डिज़ाइन है ना, वो भी ये बीच से पानी को सीधे फेंक रहा है, ये किनारे से घूमता हुआ फेंकेगा, तो एक फाउंटेन सा क्रिएट होगा जिससे ये कपड़े ऊपर नीचे आसानी से होंगे। एक फाउंटेन सा सीन क्रिएट होगा। हाँ तो भाई, साइड वाला इधर घूम, किनारे किनारे घुमाएगा, ठीक, पानी ऐसे ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक हो गया सर, इधर दोनों को वॉश एंटी क्लॉक वॉक क्लॉक होगा सर की, और फंक्शन क्या चीज़ ये तो फाउंटेन वॉश में है। इसके बाद आते हैं डीप क्लीन एंड डेनिम, है ना? डीप क्लीन क्या है भाई साहब? जीन्स। देखते हैं डीप क्लीन को जीन्स कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, ये डीप क्लीन है, डीप क्लीन डेनिम है, जो हमारे जो कपड़े डेनिम टाइप है ना, जीन्स में डेनिम। डीप क्लीन जिन पर ज़्यादा जरूरत है धुलाई की, है ना? अब समय बढ़ गया, घंटा 50 मिनट पानी का लोड बढ़ गया, सोकिंग ऐड हुई, जो ज़्यादा गंदे कपड़े हैं उसको आप डीप क्लीन में या डेनिम में धुल सकते हैं। टाइमिंग डाउन होगा कैसे? नहीं, टाइम क्यों डाउन? अगर आप पानी का लेवल चेंज करेंगे देखें तो कम हुआ, वाटर लेवल एक हुआ तो समय कम हो गया। अब एक लेवल में कितना पानी ही आएगा? तो 1:33:44 और 1:51 1:50। अब यहाँ पर डीप क्लीन डेनिम में दे रहा है वाटर का लीटर जो लेवल जा रहा है 8 नंबर पर जा रहा है। बाई डिफॉल्ट 1 से 10 तक हम सेलेक्ट कर सकते हैं। समय वॉश का, रिंस का, ये आपके सामने दिख रहा है जी। क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं? सोकिंग ऐड हो गई, जेट इसमें क्या होगा? इसके बाद आ रहा है प्री वॉश, इसमें नहीं है। जेट वॉश होगा, ऐड हो गया। इसके बाद क्या कुछ और ऐड हो रहा है क्या? सोक भी है। फिर है रीयूज, रीयूज ऐड हो गया। फिर क्या है? फेवरेट, फेवरेट भी लगा सकते हैं। लो पहले वाला आ गया। तो हम कौन से पर थे अभी? डीप क्लीन पर थे, डीप क्लीन पर गए, ये समय दे दिया हमने, इसमें जेट वॉश लगा दिया, रीयूज भी लगा दिया, वाटर लेवल को 9 कर दिया, 8 था बाय डिफॉल्ट, ठीक। हमने यहाँ से स्पिन ड्राई का जो समय था 9 मिनट का, हम इसको 30 मिनट कर दिए, यानी कपड़े धुल जाने के बाद 30 मिनट और स्पिन करेगा। अब इसको हम यहाँ से प्ले कर देते हैं, समय बढ़ गया 2:28, सेव हो गया। यहाँ से हमने बंद किया, दोबारा हमें जाना है फेवरेट पर, हम फेवरेट पर जा रहे सीधा, यहाँ से बटन को प्रेस किया 3 सेकंड के लिए, डीप क्लीन डेनिम में गए, है ना? और 2:28 का प्रोग्राम था, मानसून प्रोग्राम ऐड हो गया, ये उसके निशान आ रहे हैं, समय बढ़ गया, तो जो जो हमने चेंज किया वो यहाँ पर सेव होता चला जा रहा है और पुराना वाला हटता चला जा रहा है, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं अगले जगह पर, अगले पड़ाव पर। हमारा क्या है? डेलीकेट, डेलीकेट और साड़ी। डेलीकेट क्या होता है? डेलीकेट फोटो वगैरह, डेलीकेट कपड़े वो है ना, आपने सेमी ऑटोमेटिक में देखा था जब हम टॉप वो नॉब को घुमाते थे, जेंटल, नॉर्मल, हैवी, है ना, स्ट्रॉन्ग है सर,
तो जेंटल का मतलब क्या हो गया, जो पल्सेटर मूवमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। नॉर्मल में जैसा चल रहा था स्पीड से वैसे चलेगा, हैवी में स्पीड और बढ़ जाती है। उसी प्रकार से डेलिकेट कपड़े या साड़ी के केस में होता है कि जो रोटेशन है वो चेंज हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, हाँ कम हो जाएगी, आरपीएम कम हो जाएगा। आते हैं इधर, कहाँ गया वो डेलिकेट। रेटेड लोड 7 किलो तक लोड आप दे सकते हो उस पर डेलिकेट पर, एक से 6-10 तक सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें सिर्फ दो क्या क्या ऐड कर सकते हैं, प्रोग्राम दिए फ्री वॉश दे सकते हैं, फ्री वॉश इसमें है नहीं। फिर जेट वॉश, जेट वॉश देखते हैं भाई, लग गया शोक लगता है क्या, नहीं लग रहा है, जेट वॉश लग रहा है। और फेवरेट नहीं, रीयूज लग रहा है, इको नहीं लग रहा है, रीयूज लग रहा है। ठीक, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। प्ले किया, प्रोग्राम पर आ गया। मिक्स और मल्टी कलर, मिक्स और मल्टी कलर का मतलब हो गया कि इसमें आप सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े मत डालिए, मत डालिए सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े से मत डालिए। जो अलग अलग रंग के कपड़े हैं वो डाल दीजिए, लेकिन सफ़ेद और हल्के रंग के मत डालिए। क्यों, मल्टी कलर है ना, अगर किसी का रंग छूट रहा होगा तो सफ़ेद वाले में चढ़ जाएगा, तो वो सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े इसमें मत डालिए। इसके बाद इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, समय दिया, वाटर लेवल दिया 7 बाय डिफॉल्ट, लोड कितना दे सकते हैं 7 किलो तक दे सकते हैं। प्री वॉश सोकिंग ऐड हो सकता है इसमें, देखते हैं सोकिंग के लिए, सोकिंग ऐड हो गया, जेट वॉश भी ऐड हो गया, छोड़ो था, इको नहीं सेव हो रहा है इस पर, लेकिन इको लगता है क्या, नहीं लग रहा है, रीयूज लग गया, फेवरेट भी लग सकता है, फेवरेट भी लग सकता है, तो हम अगर सेव करना चाहें तो लगा सकते हैं। इस तरीके से सभी प्रोग्राम के लिए है दिया हुआ। आगे चलते हैं, मिक्स मल्टी कलर के बाद हम आते हैं टब क्लीन में। टब क्लीन क्या है, जब मशीनें नई रहती हैं तो मशीन अच्छा परफॉर्म करती हैं, कपड़े साफ भी करती हैं। जैसे जैसे कस्टमर उसको महीना, 2 महीना, 6 महीना, 10 महीना यूज़ करता है, तो कपड़ों के धुल जाने के बाद जो केमिकल बह रहा है, कपड़ों के डस्ट बह रहे हैं, मिट्टी गंदगी जो बह रही है वो आपको नाली पर बहती दिखती है, वही गंदगी इन ड्रम में, ये जो साइड दिख रहा है इधर नहीं, इसके आउटर जो साइड इधर बाहर दिख रहा है उसमें नहीं, उसके इनर में जाकर के जम जाती है। ऐसे में छेद जो है ना, जो दिख रहे हैं ये सब ब्लॉक्स, ये पूरे बंद हो जाएंगे, पार्सली ब्लॉक हो जाएंगे। अब क्या होगा, पानी का सर्कुलेशन ढंग से नहीं होगा, डिटर्जेंट ज़्यादा लगेगा, पानी ज़्यादा लगेगा, बिजली ज़्यादा लगेगा, और वॉशिंग क्वालिटी सही से नहीं रहेगी। तो इस तरह के केस में हमें क्या करना है, कस्टमर को शुरू के दिन से बताना शुरू करना है टब क्लीन के बारे में, चाहे वो मशीन फ्रंट लोड हो चाहे वो टॉप लोड हो। तो टब क्लीन के लिए आपके पास वाटर, वो डी स्केल वगैरह रहते हैं ना, तो यहाँ पर डालिए एक पैकेट। कितना डाला था सर, एक पैकेट, पूरा एक पैकेट, हाँ 190 ग्राम का शायद, 120 ग्राम का है क्या शायद, तो इस प्रकार 200 ग्राम का है, तो आपके पास वो एक पैकेट है। जितने का भी आता हो, अलग अलग रेट है, वैसे मार्केट में सस्ते भी हैं, असली लोकल ब्रांड में भी है, 30 रुपये का भी आता है, 50 का भी आता है, उससे ज़्यादा का 50 का करेंगे कस्टमर को हम लोग, वो आपका विषय है, आप कितने में उसको बेच रहे हो। इसके बाद वो क्या करेगा, प्रोग्राम लेगा इतनी देर तक, तब क्लीन मोड में चला जाएगा, जब आप प्ले करेंगे। अब ये प्रोग्राम हो गया, ये क्या करेगा, ट्रब को अच्छे से साफ करेगा। जो आप डी स्केल डालते हैं, डी स्केल क्या है, वो एक प्रकार का पाउडर फॉर्म में तेजाब है, जैसे ही वो पानी के संपर्क में आता है वो उसी तेजाब के जैसे में बदल जाता है, तो जो भी इसमें चूना कैल्शियम जम गया है उसको वो क्लीन करेगा। अब आपने उसको आज क्लीन किया 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, तो क्या करेगा, वो नहीं निकलेगा। तो कस्टमर को बोलिए कि रेगुलर यूज करते हैं यदि आप वॉशिंग मशीन, तो कम से कम 2 महीने के बाद या 90 बार वॉश कर लो, 2 महीने से 3 महीने के बीच में इसको डी स्केल से टब क्लीन मोड में डाल दीजिए। महीने के एक तारीख को टब क्लीन करने के बाद इसे ढक्कन को जरूर खोलिएगा। टब क्लीन फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड में ड्रम क्लीन, इधर टब क्लीन करने के बाद ये डोर जरूर खोलिएगा। अगर डोर बंद रहेगा, अगर ये डोर ऐसे बंद रहेगा तो उसकी जो
एसिडिक स्मेल होगी, एसिडिक एयर है वो इसी में पड़ी रह जाती है, और अगर ज़्यादा भी आप यूज़ करते हो बार बार डिस्केल डिस्केल तो ये सब काले होने का डर रहता है। तो अच्छी क्वालिटी का डिस्केल यूज़ करिए, प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद डोर को जरूर खोलिए, चाहे वो फ्रंट लोड हो चाहे वो टॉप लोड हो, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, समय 48 मिनट। इसके बाद इसमें और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, वॉश और रिंस की लाइट को एक साथ हम बटन को प्रेस करते हैं एक साथ, और मल्टी वाला ये बताइए ना, देखिए अभी नहीं लिया, नहीं लिया स्टार्टिंग में ना सर, प्ले किया प्रोग्राम और अब हमने यहाँ से प्रेस कर दिया, देखते हैं अब लेता है क्या, ले लिया। अब कोई भी बटन आप दबाओ बंद हो जाएगा, लेकिन बंद हो जाएगा नहीं कर रहा काम, बंद हो जाएगा केवल ऑन ऑफ बटन काम, जाओ सारे को डाइट जाके बंद करेगा, ठीक। अब आपने ऑन कर दिया, प्रोग्राम चलेगा सर ऑन होगा तो वहीं से, भाई आपके सामने देखो तो प्रोग्राम तो ऑन हो गया बाय डिफॉल्ट, हम इसी चैनल लॉक को हटा देते हैं। बाय द वे सर, जैसे अपन ऑटो पे धो रहे हैं मशीन है ना, कपड़े डाल दिए हैं और अचानक से वॉश हो गया, वॉश कंप्लीट हो गया या वॉश का 2 मिनट बाकी, अभी हमने वॉश पर लगाया था और प्ले कर दिया, 59 मिनट है, लाइट गोल हो गया आधा घंटे चलने के बाद, लाइट गोल कर दीजिए यहाँ से, अभी 59 मिनट है, देख लेते हैं 59 मिनट है, लाइट चली गई, रुक जाइए तार निकालिए इसको, प्ले करिए, अभी तो वहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक चालू कर दिया, ये प्ले कर दिया था ना हमने, उस समय हमने तो प्ले कर ही दिया था, तो अभी तो इसमें दिखा रहा है कि आपने जो इमीडिएट लाइट कटी और आई तो वहीं से स्टार्ट हुआ, मतलब प्रोग्राम बैकअप है कि टाइमिंग बैकअप, ये डिटेल अभी उपलब्ध नहीं है, नहीं मालूम, ये डिटेल अभी नहीं मिली है, अगर मिलती है तो तुरंत शेयर किया जाए, ठीक। तो चाइल्ड लॉक हो गया, मानसून क्या है, इसी में स्पिन में मानसून दिया था, जो हम आपका यहाँ पर बटन प्रेस कर करके बार बार बढ़ा रहे हैं वो अलग से कर सकते हैं, यहाँ से हम स्पिन मानसून बढ़ा रहे हैं, बारिश हो रही है हमें कपड़े सुखाने हैं, तो प्रोग्राम में भी जा कर के या इधर से भी आप ओनली स्पिनिंग यहाँ ऐड कर सकते हैं, ये देखिए निशान आ गया 60 मिनट कंप्लीट, जिस भी प्रोग्राम में उसमें 90 मिनट, हाँ जो दिया तो भाई, अब कस्टमर के लिए हमने एक प्रोग्राम दे रखा, आप 90 मिनट मत करो, 5 ही मिनट करो ना, ठीक। तो ये हैवी क्या है देखते हैं, अब एक प्रोग्राम दिया हमने, डीप क्लीन पर गए, हैवी का बटन सेलेक्ट किया नहीं हुआ, साइलेंट नहीं हुआ, देखिए साइलेंट स्टार्ट में ऑटो हमने किए नहीं ना, ऑटो में गए साइलेंट पर आ गया, ऑटो में है हैवी पर चला गया, लेकिन फ़र्क क्या हुआ दोनों में, समय चेंज हुआ साइलेंट पे, समय चेंज हुआ 1 घंटा 4 मिनट, इसमें क्या होगा साइलेंट में जो रोटेशन है साउंड मशीन का वो काम हो जाए, हैवी पर गए समय चेंज हो गया, साउंड भी क्लियर हो गया, इसका रोटेशन होगा कि बीप जो बजता है वो नहीं बजेगा, अरे भैया साइलेंट देखो, साइलेंट पे गए प्ले किया सर, वो कैसे आया सर हैवी है साइलेंट प्रोग्राम में, अलार्म नहीं बजता है, ठीक। अभी क्या है, बड़ा धंधे का आवाज़ क्या कम हुआ, क्या किसा कम हुआ सर, जो लास्ट टाइम जो बीप बजता था, अच्छा अच्छा लास्ट टाइम जो ऐसा है ना, देना वो बुक देना रवि, और नाइट वगैरह के लिए साइलेंट दिया जाएगा, बिल्कुल जरूरत है, कई जने क्या है पसंद नहीं करते ना लास्ट टाइम जब बीप बजता है उसको साइलेंट करके छोड़ देते हैं, तो मीटिंग बंद हो जाता है। अच्छा ऐसा है क्या, हो सकता है, बहुत बढ़िया, अगर साइलेंट मोड रिड्यूस नॉइज बाय रिड्यूसिंग वॉशिंग एंड स्पिनिंग स्पीड बट इंक्रीज द टाइम फॉर सेम वॉशिंग एंड स्पिनिंग इफेक्ट, इट इज़ सुटेबल फॉर नाइट वॉशिंग, केवल मोटर का जो है ना साउंड वो कम होगा, वैसा ही ठीक है। अब यहाँ से हम प्रोग्राम को ऑफ करते हैं, दूसरे प्रोग्राम पर आते हैं, फाउंटेन वॉश में साइलेंट नहीं जा रहा है, हैवी नहीं जा रहा है, क्विक में नहीं जा रहा है, डीप क्लीन में साइलेंट हैवी नहीं गया, उतना
कॉटन डेली में गए तो साइलेंट हैवी दोनों काम करेगा ठीक। साइलेंट और हैवी का मतलब क्या है? साइलेंट में स्पीड जो मशीन जो हम घूम रही है ना उसका आवाज़ आपको कम सुनाई देगा क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी, हैवी में स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा बढ़ जाएगी। कपड़े ज़्यादा गंदे हैवी का प्रोग्राम दे दो स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या होगा कपड़े जल्दी साफ होंगे है ना। बस सारे प्रोग्रामिंग पे नहीं है वो, सारे प्रोग्राम पर नहीं है वो ठीक। तो जिस जिस प्रोग्राम में होगा वहाँ पर वो सेलेक्ट होगा। वूलन पर देखते हैं साइलेंट है क्या, नहीं है। फिर देखते हैं मिक्स कलर में है क्या, साइलेंट है और हैवी भी है। बेडिंग पर देखते हैं क्या है, नहीं दे रहा है। टब क्लीन में तो लेगा ही नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सिर्फ टाइम डिले की। टाइम डिले में इसलिए हम जा रहे हैं, अभी ये टाइम डिले कैसे काम करेगा। प्रेस कर दिया, एक घंटा डिले, दो तीन चार 24 घंटे तक होना चाहिए जहाँ तक है। चालीस घंटे का भी रहता है, 24 नॉर्मल एक घंटा। हमने मशीन को दो घंटे तीन घंटे का दिया टाइम डिले, प्रोग्राम दिया प्रोग्राम दिया हमने डीप क्लीन का और यहाँ से प्ले कर दिया, कपड़े वगैरह डाल करके चले गए। अब अभी जितने बजे हो, दो घंटे दिए थे हमने, तीन घंटा दिया था। अब मशीन ये तीन घंटे के बाद ऑन होगी, अभी से तीन घंटे के बाद ठीक। तो उसी समय पहले डिले टाइम दे के देखे जरा, टाइम डिले दिया प्रोग्राम पहले नहीं लाना पड़ेगा लग रहे थे। देखते हैं अभी तो लाइट बंद हो गया था, क्विक पर गए, डीप क्लीन पर गए, लाइट हट गई, डिले दिया तीन घंटा, प्ले किया, अब लिया, यानी यहाँ पर इस मॉडल में इस मशीन में प्रोग्राम के बाद डिले लगाइए। क्योंकि हमने अभी क्या किया था देखा था ना, ये लाइट नहीं आ रही थी, समय आ रहा था ये तीन घंटे नहीं आ रहे थे। हमें क्या करना होगा यहाँ पर इस मोड में जाने के लिए टाइम डिले में, यदि मेरे घर में लाइट इतने देर के बाद, पानी इतने देर के बाद आना है तो मुझे मालूम है कि भाई शाम को 4 बजे पानी आएगा और अभी बजे हैं दोपहर के 12, तो 4 घंटे बाद पानी आएगा। तो हमने क्या किया, मशीन को एक प्रोग्राम दिया, कॉटन पर गए, टाइम डिले दिया 4 घंटे का, अभी सपोज करिए 12 बजे हैं और प्ले कर दिया, चार घंटे बाद ऑन होगा। क्योंकि स्टार्ट डिले और एंड डिले दो प्रकार के होते हैं। सर मशीन तो बंद हो गया, डिले डाल दिया थोड़ा सा, वो वहाँ से लगा दिया ना का प्ले कर दिया तो डिले एंड है, 53 मिनट का प्रोग्राम, यानी अब उसे 7 मिनट के बाद मशीन स्टार्ट होगी। एक बार इसको करके देखते हैं एक छोटे प्रोग्राम पर, क्विक वगैरह पर, इसी में सही रहेगा, देखते हैं कब होने।